संयुक्त अरब अमीरात में ओरियो बिस्किट को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। यूएई में ये बहस का मसला बना हुआ है कि ओरियो बिस्किट हलाल है या फिर हराम। संयुक्त अरब अमीरात के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्रालय ने ओरियो बिस्किट के गैर हलाल उत्पादन होने के सोशल मीडिया दावों के बारे में एक स्पष्टीकरण जारी किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट ने इस बात पर बहस छेड़ दी है कि यूएई में ओरियो बिस्किट हलाल है या नहीं। यूएई मंत्रालय ने इन अफवाहों पर सफाई देते हुए इसे पूरी तरह से गलत करार दिया। संयुक्त अरब अमीरात के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ये हाल ही में अफवाह फैलाई गई है कि ओरियो बिस्किट हलाल नहीं है क्योंकि उनमें सूअर का मांस और अल्कोहल होता है। हम आपको सूचित करते हैं कि ये बात बिल्कुल गलत है। बयान में कहा गया है कि बिस्किट की सामग्री में किसी भी जानवर के तत्व जैसे कि ग्रीस या वसा शामिल नहीं है। मंत्रालय ने इस बात का भी जिक्र किया है कि लैब जांच ने भी इसकी पुष्टि की है। यूएई मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि आयात और व्यापार किए जाने वाले खाद्य पदार्थ प्रक्रियाओं और कार्यक्रमों की एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के अधीन है। खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल से पहले उच्चतम सुरक्षा मानकों से सुनिश्चित किया जाता है। मोंडलेज इंटरनेशनल हमारे उपभोक्ताओं की जरूरतों और वरीयताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है जो बाजार से बाजार में भिन्न हो सकते हैं। अबू धाबी कृषि और खाद्य सुरक्षा अथॉरिटी ने कथित तौर पर कहा कि कोई पुख्ता सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके कि अमेरिकी कंपनी मोंडलेज की ओर से निर्मित कुकीज में गैर हलाल सामग्री शामिल है।